हाउ टू इंक्रीज इंप्रेशंस एंड क्लिक्स ऑन फाइवर गिग। इस टॉपिक पर मैंने काफ़ी पहले भी वीडियोस बना चुका हूं और ये एक न्यू वीडियो है। ये काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि असल में इंप्रेशन और क्लिक असल में होते क्या है, उनको किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंप्रेशन और क्लिक्स असल में होते क्या हैं। अगर हमें ये मालूम होगा तो हमें अपनी गिग के ऊपर इंप्रेशन और क्लिक लाने में मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंप्रेशंस की। इंप्रेशंस असल में होते क्या हैं? आप फाइवर पर गए, आपने उसके सर्च बार में ये टाइप किया फेसबुक एड्स। जैसे ही आपने सर्च किया, नीचे आपको काफ़ी ज़्यादा गिग्स नज़र आ गई। जैसे जैसे आप गिग्स को देखते जाएंगे, उनका एक इंप्रेशंस काउंट होता जाएगा। जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको गिग्स नज़र आएंगी, असल में वो एक इंप्रेशन होगा। इसे हम कहते हैं इंप्रेशंस। इंप्रेशन को और अच्छा समझाता हूं मैं, उसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आपको वहां पर डिटेल से समझाता हूं कि असल में इंप्रेशंस असल में होते क्या हैं। जैसा ये मैंने फाइवर को ओपन कर लिया है और यहां इसके सर्च बार में हम टाइप करते हैं अपनी स्किल, जो भी आपके रेलिवेंट होगी आप वो टाइप कर लेना। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ SEO और मैंने सर्च किया। अब इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट दिखा दिए हैं। ऑलमोस्ट देखिए आप कितना बड़ा कंपटीशन है, फिर भी ये गिग्स रैंक कर गई हैं ये फर्स्ट पेज पर। तो आप उनको देखें ज़रा, ये तो हो गया जो भी मैंने सर्च किया SEO के रेलिवेंट और ये गिग्स साइवर ने मुझे दे दी। अब ये सबका इनका इंप्रेशन एक एक काउंट हो गया। जिन जिन को मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता जाऊँगा, जैसे जैसे तो जो जो मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले होती जाएंगी गिग्स, उनका एक एक इंप्रेशन काउंट हो चुका है। जितना आप स्क्रॉल डाउन करोगे और सबको एक एक इंप्रेशन मेरा मिलेगा। ये होता है असल में इंप्रेशन। जैसे आप कुछ और सर्च कर लें, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं फेसबुक एड लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसे सर्च किया। अब यहाँ पर हमें काफी ज्यादा गिग्स फिर से मिल गई, तो इन सबको भी मेरा हमारा इंप्रेशन मिल चुका है। अब ये नहीं कि नीचे आप नीचे सबसे ज़्यादा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर पेजेस लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पर ये पेजेस है, तो हम सिर्फ फर्स्ट पेज पर हैं और जिसकी गिग्स हमें नज़र आ रही है सिर्फ उनको ही हमारा इंप्रेशन जाएगा। अब नीचे वाला जैसे सेकंड पेज वाला है, इसके ऊपर हमारे इंप्रेशन बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो रैंक हुई है अब उसके ऊपर ही हमारा इंप्रेशन उन गिग्स को ही जाएगा जो जो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगी। ये होता है असल में इंप्रेशन। अब बात करते हैं क्लिक्स की। असल में क्लिक्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप फाइवर पर जाएंगे, वहां पर आपने सर्च किया फेसबुक एड और आपने सर्च किया, नीचे जो भी आपको गिग्स नजर आई आपने बारी बारी देखा सबको, जिस गिग के ऊपर आपने क्लिक किया तो वो उस गिग का एक क्लिक काउंट हो गया। ऐसा होता है जब भी कोई क्लाइंट आता है जिसे भी जो भी सर्विसेज चाहिए वो सर्च करता है और नीचे आके गिग्स को चेक करता है, जो कि उससे अच्छी लगती होगी वो उसके ऊपर क्लिक करेगा, उस गिग का एक क्लिक काउंट हो जाएगा, उसे हम क्लिक कहते हैं। और डिटेल्स में आपको क्लिक्स के बारे में समझाता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब क्लिक्स किसे कहते हैं, चलो हम फिर से सर्च कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर फेसबुक एड दोबारा सर्च कर लेते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च किया फेसबुक एड्स को, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर फेसबुक एड को सर्च किया, इसने मुझे जो रिजल्ट दिखाए इंप्रेशन तो उनकी तरफ चला ही गया है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं एक क्लाइंट हूँ तो मुझे फेसबुक एड्स चलवानी है, तो मैंने यहाँ पर सर्च किया और मैंने नीचे स्क्रॉल शुरू कर दिया, मैंने नीचे ढूंढना शुरू कर दिया कि कौन सी गिग मेरे लिए काफ़ी अच्छी होगी। जैसे मैंने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जैसे ये फर्स्ट है आई विल डिज़ाइन प्रीमियम फेसबुक और इंस्टाग्राम एड इमेजेस, ये डिज़ाइन करता है। आई विल बी योर फेसबुक एड्स मैनेजर, काफ़ी अच्छा टाइटल है। अब यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आप इसमें अगर दोबारा सर्च करूँ तो जो फर्स्ट पर है ना, मेरा इंप्रेशन सबसे ऊपर पहला उसके ऊपर जा रही नज़र मेरी, क्योंकि उसने कलर्स इस तरह के लगाए हैं जो आप फर्स्ट फोर में चेक कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला है उसने सबसे ज़्यादा कलर्स अच्छे लगाए हैं, तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं नेक्स्ट टाइम में चला जाऊँगा। अब इसके रेलिवेंट देखें ज़रा, काफ़ी अच्छी गिग इमेज इसने बनाई है और कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसे मेरा एक क्लिक मिल चुका है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, और मैं न्यू टैब में चला गया था, अब इस गिग को मेरा एक क्लिक भी मिल गया है। इंप्रेशन तो मिला, साथ में एक क्लिक भी मिल चुका है। ये होता है असल में क्लिक्स।
अब बात करते हैं इन दोनों को हम इंक्रीज किस तरह से कर सकते हैं, फाइवर गिग के ऊपर इंप्रेशन और क्लिक्स किस तरह से इंक्रीज किए जा सकते हैं। इंप्रेशन तब इंक्रीज होते हैं जब आपका जो स्किल, जो आपकी स्किल है उसमें कंपटीशन काफ़ी लो हो और आपका टाइटल काफ़ी अच्छा हो, तब आपके ऑटोमेटिकली ही आपके इंप्रेशन काफ़ी हाई हो जाते हैं। अब आपकी स्किल में कंपटीशन ही काफ़ी ज़्यादा है तो आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशन बहुत कम आते हैं। चाहे कंपटीशन ज़्यादा है, आप उसका टाइटल अच्छा करें, आप उसकी एसईओ अच्छी करें तो आपके इंप्रेशन काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। अब बात करते हैं क्लिक्स की, क्लिक्स किस तरह से इंक्रीज हो सकते हैं। आपके फाइवर की कितनी भी रैंक हो जाए अगर उसके ऊपर क्लिक नहीं आया ना तो आपको ऑर्डर बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ये बात अच्छी तरह साफ है कि जिस गिग की इमेज काफ़ी अच्छी होगी उसे क्लिक सबसे ज़्यादा मिलेंगे। आपने जो भी सर्च करना है आप फाइवर पर सर्च करेंगे तो जो नीचे आपको गिग्स नज़र आएंगी आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होगी, आपका इंप्रेशन उसकी तरफ जाएगा। तो आपको करना ये है कि आपकी जो गिग इमेज है आपने उसे काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज करना होता है, उसमें कलर्स इस तरह के लगाने हैं आपने कि वो आइज अट्रैक्टिव हो। जो भी क्लाइंट सर्च करे गिग को, आपकी गिग एक तो रैंक भी होगी तो साथ में उसका इंप्रेशन भी आपकी गिग पर ही जाएगा। अगर आपने ये दोनों काम सही से कर लिए तो आपको ऑर्डर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा कि आपने इंप्रेशन और क्लिक किस तरह से इंक्रीज करने हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।